आषाढ़ पूर्णिमा के मंगलमय पावन पर्व पर सारनाथ में आयोजित दीप प्रज्वलन समारोह में डॉक्टर हर्षदीप कामले IAS कमिश्नर इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र तथा उनकी पत्नी रोजाना वेनिच कामले विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। बुद्ध धम्म और संघ के प्रति दोनों द्वारा निरंतर किए जा रहे कार्य के लिए सर और मैडम दोनों को भिक्षु संघ द्वारा सम्मानित किया गया। डॉक्टर हर्षदीप कामले सर तथा रोजाना मैडम दोनों ने इस अवसर पर भंते चंदिमा द्वारा स्थापित धम्मा लर्निंग सेंटर के निर्माण हेतु दान दिया। भिक्षु संघ के साथ दोनों ने धम्म के स्तूप में चैंटिंग भी की। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षदीप कामले सर ने कहा कि बुद्धिज्म के इतिहास में सारनाथ का अत्यधिक महत्व है। यही वो पावन भूमि है जहां तथागत बुद्ध ने सिंहनाद कर अपना पहला प्रवचन देते हुए मानवता के कल्याण के लिए सबसे पहले धम्म चक्र पवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। उन्होंने आगे कहा कि अगर उन्हें कुशल कर्म करने का जब भी कभी मौका मिलता है तो वे और मैडम रोजाना हमेशा अग्रणी होते हैं। सारनाथ की पावन भूमि पर विभिन्न देशों से आए भिक्षु संघ को अभिवादन कर उन्होंने उनके प्रति साधुवाद व्यक्त किया और उनके आशीर्वचन के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त की।